क्वथनांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, और अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग क्यों होता है, तो चलिए हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर क्वथनांक कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए क्वथनांक किसे कहते हैं यह समझिए, वह निश्चित ताप। क्वथनांक क्या है, तो क्वथनांक एक निश्चित ताप है। कौन सा निश्चित ताप है, तो यहीं पर जरा ध्यान से समझिएगा, क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर कोई द्रव, कौन सा पदार्थ, तो कोई द्रव पदार्थ पूरी तरह से उबलने लगता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्वथनांक उस तापमान को कहते हैं जिस पर कोई पदार्थ या कोई द्रव पदार्थ पूरी तरह से उबलने लगता है, उसे ही क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए जल जो है ना, जल का क्वथनांक जानते हैं क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर क्वथनांक को और भी अच्छे से इस तरह से समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए इस बर्तन में जल हो गया, क्या इस बर्तन में जल है, अब क्वथनांक से कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो जल है ना बर्तन में भरा हुआ, अब यहाँ पर हम इस जल को गर्म कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, तो जल को जब हम गर्म कर रहे हैं तो जल जब पूरी तरह से उबलने लगता है, जैसे कि हर एक पॉइंट से ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से उबलने लगता है, भाप बनने लगता है, तो उसी तापमान को कहते हैं क्वथनांक। यानी कि कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर पूरी तरह से उबलने लगता है, खोलने लगता है, उस तापमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तब आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से क्वथनांक के परिभाषा को समझ गए होंगे कि क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्वथनांक एक निश्चित तापमान है जिस पर जाकर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से उबलने लगता है, खोलने लगता है, उसी तापमान को क्या कहते हैं, उसी तापमान को कहते हैं क्वथनांक।